नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज़। 2014 में लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार को कांग्रेस अभी तक भुला नहीं पाई है। यही कारण है कि इस बार कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों पर हमला करने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस गुजरात चुनाव से पहले ही इस पर काम कर रही है। गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इसका प्रयोग भी कर चुकी है, जो कि सफल रहा है। कांग्रेस ने अपने इस एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने के लिए दिल्ली के लुटियंस में बाकायदा एक वॉर रूम का सेटअप किया है। कांग्रेस के इस वॉर रूम में बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाने का पूरा साजो सामान मौजूद है। यहाँ काम कर रहे IIM और IIT के इंजीनियर पिछले काफ़ी समय से बीजेपी और उसके दलों के खिलाफ डॉक्यूमेंट हथियार बनाने में लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस इस काम में लगी अपनी टीम को अटैक फैक्ट्री के कोड नेम से बुलाती है। कांग्रेस की इस फैक्ट्री में IIM और IIT पढ़े करीब 4 दर्जन से अधिक लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष के खिलाफ डॉक्यूमेंट हथियार बनाने में लगी कांग्रेस की इस टीम का नेतृत्व दक्षिण से पार्टी के एक सांसद को सौंपा गया है, जो सीधे सीधे राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हैं। विपक्ष के खिलाफ अटैक डॉक्यूमेंट बनाने में लगी कांग्रेस की यह टीम उसकी सोशल मीडिया टीम से अलग है। कांग्रेस की इस टीम में शामिल एक्सपर्ट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसद और विधायकों के इलाके की पूरी डिटेल इकट्ठा करते हैं, जिसके बाद वो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके कांग्रेस नेताओं को प्रतिद्वंदी नेता पर हमला करने के लिए देती है। पिछले 3 महीनों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान इस टीम ने 650 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे विरोधी दलों के उम्मीदवारों की प्रोफाइलिंग की, उनकी केस हिस्ट्री तैयार की और कांग्रेस के उम्मीदवारों को अटैक डॉक्यूमेंट सप्लाई किए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 520 विधानसभा सीटों के लिए इन क्षेत्रों की जरूरतों और बीजेपी के मौजूदा विधायकों की नाकामियों की लिस्ट तैयार की। इसके लिए टीम ने करीब 15,000 अटैक डॉक्यूमेंट तैयार किए थे। ये टीम फैक्ट चेकिंग पर सबसे अधिक ध्यान दे रही है। टीम ने प्रधानमंत्री की हर रैली पर निगाह रखी और उनके दावों को कसौटी पर कसा। सरकार के 50 बड़े दावों की फैक्टशीट तैयार की। टीम ने केंद्र सरकार की स्कीमों को भी जांच पड़ताल की, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का दावा किया, लेकिन जब टीम ने इसकी सच्चाई पता लगाई तो लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए उत्तर में मिला कि जुलाई 2018 तक सिर्फ 22 लाख युवाओं को ही शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराए गए थे। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस जल्द ही अपने वॉर रूम का विस्तार करते हुए राज्य स्तर पर भी इसे खोलने जा रही है, जिससे उन राज्यों पर बीजेपी नेताओं के खिलाफ डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस की ये टीम बीजेपी सांसदों के कामकाज की प्रोफाइल, उसके चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों और राज्यों में उनकी सरकार के काम का भी अटैक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में आए नतीजों को देखें तो साबित होता है कि ये रिसर्च डॉक्यूमेंट कांग्रेस के लिए हथियार की तरह साबित हो रहे हैं। इसी टीम के चलते कांग्रेस ने बीजेपी के गुजरात मॉडल को खोखला साबित करने का काम किया था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को इसी टीम के डॉक्यूमेंट हथियार की बदौलत जीत मिल पाई है। टीम की ओर से किए जा रहे काम को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। यही कारण है कि कांग्रेस के बढ़ते ग्राफ को देखकर अब राजनीतिक विशेषज्ञ भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने का दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी की बनाई गई इस अटैक डॉक्यूमेंट टीम के दम पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कितनी बढ़त लेकर बीजेपी को सत्ता से बाहर काम करने का काम कर पाती है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनवी न्यूज़। नमस्कार।